सीधे और पहुंच जाते, अच्छा आखिरी पढ़ा रहे हाँ, बस। ये अपन हम चैतुरगढ़ इधर से किले निकल की गए, ओर बस है बस पहुंच शायद। चुके। अरे यहाँ से भी चढ़ सकते, घूम के भी जा सकते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये बारिशों से कटा हुआ है, जगह अरे नहीं है। सीढ़ी बना हुआ था, सीढ़ी ढह गया है ऐसा लग रहा है मेरे को। ये सीधी द्वार है पुराने जमाने और का ये सीढ़ी था देखिए क्या? ये जो भी आ रहा है। यही वाला सीढ़ी द्वार है क्या? चले ऊपर, वहां से भी रास्ता हो सकता है, चला जा। देख जा क्या ना, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी है यहाँ पे, पेड़ की जड़े पकड़ के जाना पड़ेगा, वहां से रास्ता है। यहाँ से ठीक ठाक है, ये सीध मार है। ये किसी राजा वाजा की किला था क्या? हो सकता है चतुर्गढ़ किला इसीलिए तो कहा जाता है। चैतुरगढ़ किला, हाँ। लेकिन जरा सोच, कई सौ साल पहले ऐसे चट्टानों को काट के पूरा सिमेट्रिकल डिजाइन में बनाया गया था, देख नक्काशी देख। और ये कुछ साल पहले का नहीं है ना, सैकड़ों साल पहले का। पुराने जमाने की इंजीनियरिंग अब बेहतरीन थी यार। और इन लोग इंजीनियरिंग की ऐसी जगह पर करते थे ना जो बहुत से बाहर लोग गए। सही बोल रहा, लोगों का पहुंच पाना आसानी से। हाँ, पहाड़ों को बना देंगे, ले समुद्र के बीच में कोई आइलैंड बना दिए, कुछ भी कुछ। ये देख रही, यहाँ से चढ़े ऊपर, वाह। ये पुरातत्व वालों ने इसको ना एक तरह से क्या कहते हैं, सिलाई टाइप का किया है कुछ, ताकि वो गिरे ना। अरे यहाँ से और आगे जाने का रास्ता है, वहां पहाड़ दिखा, पहाड़ देख। ये एक छोटी पहाड़ी ट्रैकिंग के लिए अच्छा है, वहां बीच में पूरे खेत, ऐसा लग रहा है ना बीच में घाटी टाइप का है। और एक पहाड़ी वो, एक पहाड़ी ये जहाँ पे अपन है। हम है हाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ तक जाना होगा हमको लग रहा है। वो वहां तक देखो जाना है। वहाँ तक पूरा चढ़ना पड़ेगा, अच्छा, और एक नीचे किलोमीटर से चढ़ेंगे। ज्यादा हो गया उन लोग बोल रहे थे, 1 किलोमीटर, 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। अरे हनुमान जी, जय हनुमान। जय आ हनुमान, और ज्ञान कैसे गुण यहाँ से चढ़ते सागर, जय कपीर हैं सुति गुफा? हम अरे लोग उजागर। एक किला नहीं है, पूरा किलो का गढ़ देख लीजिए। ये हम लोग को बचाने के लिए ऐसा करते थे ना, जहाँ पे कई लोग छुप रहे थे। हाँ, चल कर हनुमान जी के दर्शन करेंगे। राम डेंजर जोन, यहाँ पे सेल्फी लेना सख्त मना है, नजर आओ सकते हैं यहाँ पे क्या मत। हो सकता है ये वृक्ष के ऊपर चढ़ के जो है ना सेल्फी लेना शायद मना है। हाँ, ये सारे क्या है, अब काफी पुराने हैं, किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए ऐसा बोर्ड टिक के यहाँ पे प्रशासन ने टांग रखा है, क्योंकि काफी रिस्क है, आप पीछे जा सकते हैं, चोट भी लग सकती है आपको। ये तो पहाड़ों के बाल ब्राउन हो गए, वाह, बेहतरीन लग रहा है यार। काफी खूबसूरत, यहाँ बैठने की बेहतरीन जगह है, बहुत अच्छी जगह है। सबसे ऊंची चोटी वही लग रही है ना, एकदम दूर। हाईएस्ट पीक। हाँ, यहाँ से हम लोग आए हैं, नीचे वाले में चढ़े थे, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। यहाँ शंकर गुफा लिखा है, 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर कितना दूर होगा मुझे मालूम नहीं, अगर कुछ ऑफ ट्रैकिंग हुआ ना चलेंगे। हम अभी किले के
दीवार के ऊपर चल रहे हैं कह सकते हैं एक प्रकार से। और ये किले का दीवार जो है कुछ कुछ जगह से टूट फूट गया काफी क्षतिग्रस्त लग रहा है ना, फ्लाई ऐश वाला पत्थर है। लेकिन हिलेगा नहीं, इतना भारी पत्थर है। वो जो आजकल फ्लाई ऐश वाला पत्थर आता है ना हल्का सा बड़ा सा, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट में यूज होता है। हाँ हाँ, शक्ल से वही लगता है लेकिन है नहीं। काफी क्षतिग्रस्त स्थिति में आप कुछ जगह अच्छे सुधार रहे हैं। हजारों साल पहले का होगा, हजारों नहीं करते हैं, सैकड़ों का होगा। बारिश चैतुरगढ़ नाम से ही लगता है ये किसी प्रकार का एक किला है। ऐसा लग रहा है कि यार चार गढ़ को मिलाकर बनाया गया चैतुरगढ़ हो सकता है। होगा चार पहाड़ियों के बीच में बना होगा शायद। हिस्ट्री ना अगर चेक करोगे तो आप गूगल में चेक कर लेना, हिस्ट्री के बारे में हम उतना जानकारी नहीं रख रहे हैं। अभी सिर्फ हमको जगह दिखाना है और खुद भी घूमना लगा कि यहाँ आ रहे हैं। ये आपका फॉरेस्ट पेट्रोल कैंप चैतुरगढ़ है। यहाँ पर आप ये हम आपको यहाँ पे दिखा रही है, आपका व्यू पॉइंट है। हम यहाँ पे लेके आए आप सबको, यहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे हम लोग चैतुरगढ़ का। काफी सुहाना मौसम, बारिश हो रही है हल्की हल्की यहाँ पे। अरे कमल रे, दिल खुश हो गया। देखें बेहतरीन नजारा। एक वहाँ भी है व्यू पॉइंट, लेकिन बंद है गार्डन की तरफ से, शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के लिए स्पेशली बना होगा। जंगल देख यार, इन जंगलों में ना ट्रैकिंग करने में बड़ा आनंद आएगा यार, क्योंकि जंगल उतना डेंजर नहीं है। देखने से लग रहा है इतने घने हैं लेकिन बीच बीच में ना बहुत खाली खाली जगह दिख रहा है। काफी नीचे से हैं हम लोग, ज्यादा ट्रैकिंग किए। वो जो एक रोड दिख रहा वहां से उसके और आगे तो वाला रोड है यार, है ना? कौन सा? अबे ये नीचे वाला बोल रहा है। नहीं वहां से ट्रैक करके आए भाई साहब हम लोग। अबे नहीं वहां से नहीं यार, पागल हो गया। हम यहां से आए, पीछे से वहां से आई नहीं अपन। यहां कुछ लिखा है दोस्तों, बुरे आत्माओं का संताप करता है, संग करता है और घटिया कर्मों की तरफ प्रेरित करता है। दुर्बलता लाने वाली भावनाओं की परित्याग करे और इच्छा मात्र से कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ करे। अच्छा लिखा यार। आप लोग आगे जाते हैं उस तरफ? हाँ क्या है आगे? मंदिर और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहाँ पर? ये 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा आगे। अच्छा, इससे पहले आ चुके हो क्या आप लोग? भैया मेन मंदिर वहाँ पे, जो क्या नाम था माता का? हाँ वो तो क्या भैरवी माता की याद नहीं आ रहा। नहीं महिषा मर्दिनी कुछ थी। महिषासुर मर्दिनी। नहीं मेन मंदिर है ना। महिषासुर मर्दिनी। एक मिनट, जब हम यहाँ से पीछे से चढ़ के आए थे ना वो सिंह द्वार से, उसके आगे भी रास्ता दिख रहा था। हाँ हाँ, तो आगे का रास्ता कहाँ जाता है फिर? वो इधर से ही चढ़ के आते होंगे ना, इधर से ही आता होगा रास्ता होगा मतलब। शॉर्टकट मार रहे कुछ। हाँ हाँ, और बारिश बहुत तेज हो चुका है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं लेकिन काफी तेज है। कुछ बुरा होने वाला है ऐसा लग रहा है। और जाते वक्त घाट जाना बहुत क्लोज चला है इस बार यार। अरे ये तो राजीव के नक्काशी में बना है, राजीव जो राजीव मंदिर है ना, नक्काशी का मंदिर लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम बेहतरीन दृश्य है। काफी सुंदर लोकेशन, वहीं से कहीं जाते हैं पता है, शंकर गुफा विकास कल्याण समिति चैतुरगढ़ जाने का वहाँ चित्र शासन वन विभाग विहंगम दृश्य संकेत। देखो चूने से बनाया हुआ है, चूने से ज्वाइंट किया गया सारे पत्थरों को। बहुत सुंदर। हाँ चलेंगे।
काफी अच्छा प्लेस है ये, आपका फ्रंट व्यू महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ किला बोल रहे हैं, यहाँ पांच तालाबे बताते हैं। पांच तालाब, एक तो मुझे सामने लग रहा है कि ये ऊंचा सा जगह है, तालाब होगा है ना, तालाब है हाँ। दो तीन तालाब जो है जो यहाँ सदाबहार रहते हैं, जिसमें बारिश बारिश का आए दिन पानी भरा रहता है, और कुछ तालाबे मौसमी है जो गर्मी आने पे शायद सूख जाती है। अच्छा, मैं एक चीज सोच रहा हूँ राजेश, ये अपन किला बोल रहे हैं तो यहाँ महल के कुछ अवशेष अपने को दिखने चाहिए, पर महल के कुछ अवशेष दिखने, यहाँ मंदिर तो है किले में, अगर महल है तो साथ में मंदिर होना चाहिए, जैसे माता महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है तो किले का कुछ अवशेष, जैसे राजा वाजा रहते होंगे तो किला वगैरह, महल वहल का कुछ अवशेष अपने को मिलना चाहिए, देखते हैं। होगा यार, हम घूमे नहीं अब तक, तो बोल रहा है पांच तालाब, एक तक दिखा नहीं हमको, बारिश की वजह से बैठे हुए, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमेंगे ना मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही कुछ है ना, काफ़ी घना जंगल है पहाड़ के ऊपर हमें, और अद्भुत नज़ारा है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि हालत ख़राब हो जाए, काफ़ी बड़ी जगह है, मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, लेकिन बारिश, पहले हम मौसम को अच्छा बोल रहे थे, मौसम हमको बिठा दिया, भाई तू बैठ घूम मत, आराम से जाना, कैसा लग रहा है। और ये देख रहा है धूपदानी जो है उससे धुआं निकलते जा रहा है। कमल, शंकर गुफा जाने का क्या करें, देखते हैं, मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश हो रही है, मेरे हिसाब से प्लान कैंसिल करना पड़ सकता है। हम कुछ देर से यहाँ छावनी में बैठे हैं, कुछ पीछे यज्ञ स्थल है ना, वहीं पे सामने मंदिर है, बारिश की वजह से मंदिर तक जा नहीं पाए, तेज़ हो चुका है ना पहाड़ी में, थोड़ा वेट करते, अगर रुक गया ना बहुत तेज़ बारिश हो रही तो शंकर गुफा चलेंगे, हल्का मौसम ऊपर से बारिश। ये है महिषासुर मर्दनी मंदिर, चलो दर्शन के लिए जाते हैं। कमल आ जा, फिर भी मोजा गीला होगा और ठंड लगेगा, देखना अंदर सूखा है पूरा यार। हाँ, हे माता, मंदिर में फोटो खींचना सख्त मना है। तालाब जाने का रास्ता, यहाँ पे कितने तालाब है, सात तालाब है और तीन की खुदाई हो रही है। वाह, ये दे 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 रे, अच्छा खासा तालाब है यार, पक्का इसमें ढेरों मछलियाँ होंगी। हाथ पैर धोना मना है इस घाट में, घाट में क्या पूरा तालाब में कौन धोएगा यार, धार्मिक स्थल है। हाँ, शंकर गुफा चलेंगे, इस घाट से मतलब पूजा वूजा के लिए पानी लेते हैं ना, इसीलिए यहाँ लिखा था कि हाथ पैर धोना मना है। यहाँ एक शंकर जी का मंदिर भी है, जय शिव शंकर। और ये ना अच्छा दिन काटने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है, एक तो धार्मिक स्थल प्लस इतनी खूबसूरत जगह पहाड़ों के ऊपर, पूरा हिल स्टेशन टाइप का फील आ रहा है। यहाँ से भी आने का पगडंडी बना हुआ है, ये रहे जय भोले। पेड़ पौधों का हानि ना नहीं पहुंचाए, नहीं किसी ने मिटा दिया यार, तालाब और आगे। जैसे ही मैं बोला तू आलसी आलसी क्यों लग रहा है, एकदम तूफानी आवाज में आ रहा है भाई, तूफानी अंदाज में घूमे जा रहे। हाँ, एक तालाब घूम लिए, आगे और भी तालाब है, बोल बोल क्या बोल रहे हैं। बारिश ने कमर तोड़ रखी है, नहीं काफी लग रही है। हाँ भाई, मैं एक्चुअली दो जैकेट पहना हूँ तभी मेरे को ठीक लग रहा है,
तू एक ही पहना है और ऊपर से तू ना सुस्ता गया क्योंकि तेरे को पहले से सर्दी खांसी है। सही बोला, तबीयत तो खराब ही पड़ी है। तो चतुर्घड़ी हो देखते नहीं यार, सही में अपन अच्छी जगह निकले, पता है 200 किलोमीटर 210 किलोमीटर कम नहीं होता, बड़ा मेहनत लगता है एक दिन के टूर के लिए, लेकिन आए हैं ना तो अच्छा रिजल्ट मिला हमको। एक तो मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है बारिश में लेकिन बहुत अच्छा है। और तालाब यहाँ कहाँ है? वो तालाब थोड़ी है यार, रोड बन रहा है, हेलीपैड है कोई यार। हेलीपैड है, हेलीपैड है, ये देखो हेलीपैड बना है। और किस वजह से बनाया पता नहीं, शायद आज तक यूज़ नहीं होगा क्योंकि आसपास जंगल झाड़ी भर गए। यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती है क्योंकि गाड़ियों के लिए देखो दो चक्के वाला निशान। चलो इसे कहते हैं ट्रैकिंग करना। हम ऐसी जगह जाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, कई लोग ना सिटी में मॉल में घूमना पसंद करते हैं, वो सही नहीं है। घूमो तो ऐसी जगह घूमो कि सब 10 लोग देखें यार। ऊंचाई देख के समझ आ रहा है सामने दूसरा तालाब है, सात सात तालाब है और तीन और खुदरा है क्या? अच्छी जगह यार, मस्त। अगर अपन टेंट वगैरह लेके आते ना रात को यही कहीं काटते हुए, मजा आता है। हमारा प्लान पता है क्या था? तू ही तो बोला था ऐसा प्लान करेंगे करके, याद है ना? बोले तो हम मतलब दोपहर का टाइम निकलने वाले थे, रात को यहाँ पहुंचते टेंट वेंट लेके, पूरा नाइट कैंपिंग का सारा सामान लेके यहीं पे टेंट गाड़ के बैठते, परमिशन लेके आते और फिर अपन दिन भर यहाँ घूमते, घूमने के बाद अपन अगले मॉर्निंग निकलते, ऐसा प्लान था हमारा। ये दूसरे तालाब में आ गए अपन, इसी रास्ते और भी तालाब है, देख पगडंडी बना हुआ है। ये वाला तालाब का पानी बहुत साफ सुथरा है क्योंकि चारों तरफ घास है, घास ना गंदगी रोक लेता है, एकदम क्लियर पानी इसका। चल थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर वापस, ठीक है? सारे तालाब घूम के कोई फायदा नहीं है। चतुर्गढ़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, आप सभी आइए हमारे। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये अरे यार कुछ भी कुछ बोल के ना लोग गाना बना देते। बहुत अच्छा लग रहा है, चतुर्गढ़ जो है एक थोड़ी सी मतलब पहाड़ पे बसा हुआ है, ठंडा इलाका है ये काफी, क्योंकि पहाड़ों पे मौसम ही अलग रहता है यार, ठंडम घाटी चढ़े हैं, बोल रहा हूँ कि काफी। पहले तो बाइक से कितना 32 किलोमीटर घाटी ना, 32 किलोमीटर हाँ, पूरा पहाड़ी वाला रास्ता था और ऊपर से उसके बाद तकरीबन एक से ज्यादा किलोमीटर अपन ट्रैक करके आए हैं तब ऊपर पहुंचे। अब पहुंचने के बाद पूरा पठारी इलाका है ये, बिल्कुल बिल्कुल ये पहाड़ के। अरे यार और कितना दूर जाना है? कितना तालाब देख लिए अपन? दो तालाब देख लिए फिलहाल, देख लिए ना, और नहीं देखना। हम वापस जा रहे हैं लेकिन रास्ता बदल दिए, अब पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं। अबे यहाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से है रास्ता, जंगलों के बीच से जा। तू बीमार है इसलिए ना तेरा दिमाग खराब हो गया पता है, ऐसा लग रहा है, वरना तू जब भी मेरे साथ जाता है रास्ता अच्छा दिखाता है। आज तेरे को क्या हो गया? आज क्या बाल बच्चों की याद आ रही है? मौसम थोड़ा बेईमान है, मौसम बेईमान है इसीलिए तो मजा आ रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। वाले यार एक सही जगह आया अपन, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन, बहुत जबरदस्त।
मजा आ रहा भाई साहब। ये है मौसम। अबे वो पीछे वाली पहाड़ियाँ है क्या? ऊपर का छोर दिख रहा है देख। हाँ बिल्कुल देखो, और पूरा पीछे धुंध है। ये खतरनाक नजारा है। सुन ना, वो एक चोटी खाली वाला है जहाँ पेड़ है, वहाँ चलते। वाओ यार वाओ, सुपर्ब यार। वही से घूम के आया और उसके पीछे से सीढ़ी है ना। हाँ हाँ, और वहां चढ़ के अपन वो चोटी देख रहे थे। हाँ हाँ, और यहाँ भी ना दूर दूर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां। ये बेहतरीन दिख रहा है यार, देखो खेत कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। हाँ लेकिन आसपास घर क्यों नहीं दिख रहे हैं? दो चार घर, छोटी छोटी बस्तियां होंगी, जंगली क्षेत्र है। काफी कोहरा है दोस्तों, देख रहे हो आप, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बादल नीचे जमीन पर आ गए हैं, इसीलिए तो चैतुरगढ़ हम आए हैं। हम हैं चैतुरगढ़ में, और पता है वक्त क्या हो रहा है? अभी बज रहे तकरीबन 1:30, और मौसम देख लो, अभी जस्ट बारिश बंद हुआ है और बाहर पूरा कोहरा छाया हुआ पहाड़ों पे, दूर तक नजारे दिख भी नहीं रहे। पता नहीं। हाँ ये देखो हेलीपैड, वो हेलीपैड ही था, और यहाँ मड हाउस है ना, कचरा वचरा ना करे धन्यवाद। फिर से महिषासुर मर्दनी मंदिर में आ गए अपन, अब जा रहे अपन शंकर गुफा ना, ठीक वही रास्ते जिस रास्ते आए थे। यहाँ लिखा भी है देख सकती हूँ, शंकर गुफा जाने की दूरी 2.5 किलोमीटर। चलो मस्त ट्रैकिंग होगा, पर अच्छी बात यह है कि बारिश अच्छा खासा हुआ है, उसके बाद अभी थोड़ा कम है, बूंदाबांदी चालू है लेकिन कम, तो ट्रैकिंग में आनंद आएगा। क्यों भाई कमल? बिल्कुल बहुत ही मज़ा आएगा भाई।